हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है। साथ में चलिए हम लोग देख सकते हैं, फिर हम लोग एक नए पार्ट की ओर आए हुए हैं। आपका सीटेट एसएसटी पेपर 1 पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अगर एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर पहले प्ले लिस्ट में देखिए, उसके बाद आप लोग 11वां पार्ट में देखिएगा। साथियों अगर एग्जामपुर 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। ये हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ये आज का जो सेट है, आज का जो आपका क्वेश्चन है साथियों, आपका क्वेश्चन रहेगा 101 नंबर से रहेगा। कहाँ रहेगा? तो 101 नंबर से रहेगा। क्या बोला गया है? लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा हो सकता है साथियों? आपका विचार हो सकता है। कौन होगा? विचार होगा। उसके भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है साथियों? तो भाषा सीखने में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका फोर्स हो जाएगा भाषा समृद्ध परिवेश। क्या है? तो भाषा समृद्ध परिवेश हो जाएगा साथियों। उसके बाद चलिए हम लोग वह प्रतिक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है। क्या हुआ साथियों? पढ़ना सीखता है आपका विकासनात्मक। क्या है? तो विकासात्मक के कारण ही विद्यार्थी यानी शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं हम लोग आरंभिक वर्ष के दौरान शिक्षार्थियों की त्रुटि अभ्यास के द्वारा उनके ध्यान में लानी चाहिए साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक शिक्षक संदर्भ में शब्दावली पढ़ाने के लिए घर से बर्तन और खेलने लाते हैं साथियों। लाती है इस वस्तु को जाना जाता है साथियों। आपका वास्तविक क्या है साथियों? वास्तविक वस्तु। इस वस्तु में वास्तविक वस्तु है साथियों। भाषा एक सामाजिक संकल्प। भाषा एक सामाजिक संकल्प है। इसमें यह विचार सम्मिलित है साथियों। तो आपका फर्स्ट से हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान अर्जित किया जा सकता है साथियों। सही बात है। प्रतिक्रिया आधारित लेखन उपागम। कैसे? प्रतिक्रिया आधारित लेखन उपागम सोपान के दौरान पाठक तथा लेखन के उद्देश्य को चिन्हित किया जाता है साथियों। तो आपका पूर्वलोकन। कैसे? तो पूर्व लेखन है साथियों। इसलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे हम देख सकते हैं एक भाषा शिक्षक कक्षा 4 विद्यार्थियों के एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेती है तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन के व्याकरण त्रुटि पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है। और शिक्षक की रणनीति क्या होगी साथियों? शिक्षक का रणनीति जो होगा आपका भाषा अधिगम के लिए अनुप्रयुक्त होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे को चलते हैं। आगे बोला गया है एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्य का एक छोटे अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है और फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 समूह में सुने हुए वाक्य को अपने शब्द में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि कौन सा साथियों? तो अनुच्छेद श्रुत लेख। क्या? तो अनुच्छेद श्रुत लेख है साथियों। अनुच्छेद श्रुत लेख का शिक्षण विधि है साथियों। निम्नलिखित में से भाषा के बारे में सही है साथियों। और सही हो जाएगा भाषा के बारे में भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक बालिका अक्षर और ध्वनि को इस प्रकार उच्चारित करती है जिससे अभ्यास होता है कि वह पढ़ने का प्रयास कर रही है। इसे किस रूप में जाना जाता है साथियों? तो इसे आपका जो है अर्थपन करना नहीं डिकोडिंग करना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट में बोला गया है कक्षा में द्वितीय भाषा का अध्यापन करते हुए एक अध्यापक विद्यार्थियों को अंतःक्रिया कराने एवं एक दूसरे को समझने की दृष्टि से अपनी घर की भाषाओं का यानी के प्रयोग की स्वतंत्रता देती है। यहाँ पर अध्यापिका किस युक्ति का प्रयोग कर रही है साथियों? तो आप लोग जान सकते हैं सामूहिक दोनों हो जाएगा साथियों। आपका समूह कार्य भी हो सकता है और उसके बाद 2 नंबर में भाषा अंतरण भी हो सकता है साथियों। आपका 2 आंसर हो सकता है। अगर आपका ये रहेगा तो ये मारिएगा, अगर ये रहेगा तो आपको ये मारना है साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या होता है साथियों, तो आपका 5 वर्ष बुनियादी चरण की अवधि होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आपका 5 वर्ष होता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत बच्चे के भाषा विकास का स्रोत है साथियों, तो आप लोग आपका 4 हो जाएगा। बच्चे के साथ बातचीत करते समय माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही भाषा है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे बोला गया एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में परिवेश लिया है, अभी हाल ही में लिया है। वह दीवारों और फर्शों पर इस तरह से आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिसका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। बच्चे के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाता है साथियों, तो आरंभिक कौन सा रूप में जानेंगे साथियों, आरंभिक साक्षरता के रूप में जानेंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है साथियों। भाषा अधिगम के बारे में जो है आपका सबसे पहले बी देखिए क्या बोला गया, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती गलत हो गया साथियों। और उसके बाद भाषा अर्थपूर्ण संदर्भ में सीखी जाती है साथियों। आपका ये दोनों जो है ये सही है साथियों। आपका डी गलत होगा, भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है, गलत हो गया। नियम नियम नहीं होता है भाषा, आप जो भी लैंग्वेज में चाहते हैं वो लैंग्वेज में आप सीख सकते हैं साथियों भाषा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में देख सकते हैं बोला गया है कक्षा 5 के विद्यार्थियों अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि शब्द और उनके बाद समग्र विचार बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को क्या कहा जाता है साथियों, तो आप लोग जानते हैं 4 नंबर में क्या बोला गया है, बॉटम अप उपागम। क्या कहते हैं, बॉटम अप उपागम कहा जाता है साथियों। एक अध्यापिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों के तरह तरह की जिहवा मुड़कन गीत करवाती है। वह विद्यार्थी को क्या सिखाना चाहती है साथियों, तो उच्चारण साथियों। क्या सिखाना चाहती है, तो उच्चारण सिखाना चाहती है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है साथियों, तो संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। नहीं देख यहाँ पे गलती कर दिया साथियों, अगर होती है लिखता तो उसको सही होता है, इसलिए आपका ही गलत है साथियों। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में 2-2 के जोड़े में काम करवा रही है। वह 8 वाक्य के एक अनुच्छेद एक से वाक्य के एक विद्यार्थी दूसरे वाक्य के दूसरे विद्यार्थी इस तरह से बारी बारी से पढ़वाती है। विद्यार्थियों को अपने जोड़ीदार से सुने गए वाक्य लिखाने हैं। वे अनुच्छेद पूरा लिखकर एक दूसरे को दिखाते हैं कि उन्हें सही लिखे हैं या नहीं। भाषा अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाता है साथियों, तो आपका पारस्परिक श्रुतलेख। क्या कहते हैं, पारस्परिक श्रुतलेख के नाम से जाना जाता है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, एक भारत जो है आपका वो श्रेष्ठ भारत क्या है साथियों, तो आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही हो जाएगा। विद्यार्थियों में भारतीय भाषाओं और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैगशिप का कार्यक्रम है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में देख सकते हैं बोला गया है एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के कक्षा और कक्षा के बाहर किए गए अधिगम के उदाहरण संग्रहित करके समग्र आकलन हेतु उनका प्रयोग करती है। आकलन की इस प्रतिक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है साथियों, तो पोर्टफोलियो आकलन के नाम से जाना जाता है साथियों। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है साथियों, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की जो स्थिति है साथियों, आपका कार्यालय भाषा है साथियों। हिंदी भाषा जो आपका साथियों कार्यालय भाषा है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश कर लेती है, उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उनकी मातृभाषा से भिन्न है। विद्यालय में मध्यम की एक अलग भाषा है। उसके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही नहीं है साथियों, तो हम लोग तेलंगाना बी की ओर विमुख, उसकी मातृभाषा दूसरी भाषा उनके विद्यालय भाषा के अधिगम को मतलब वैध ध्यान डालती है, वैध ध्यान दे गलत कर नहीं सहायता करता है, तो सीखने में सहायता करता है सदस्य। इसलिए आपका भी सही हो गया साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है सभी, तो उसके बारे में क्या हो सकता है देख सकते हैं। आपका पहले 4 गो 1 2 3 4 गो दिया हुआ है, उसके बाद आपका आंसर सही होगा साथियों। नाम और अक्षर की ध्वनि सुनने में कठिनाई सबसे पहले होता है साथियों। उसे ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना ये भी है सही। और उसके बाद शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टिवाद इतनी कम भी दिखना साथियों। उसके बाद लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लेना ये भी आपका साथियों हो जाएगा। तो आपका वाचन विकल्प क्या है, वाचन विकल्प हो जाएगा साथियों। ये हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है साथियों, तो आपका सेकेंड सही हो जाएगा साथियों। दिए गए संदर्भ में नए शब्द का अर्थ का अनुमान लगाना साथियों, सही बात है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि लेटेस्ट अवलोकन विषय पर आधारित है साथियों, तो आपका श्रवण विधि किस पर है साथियों, श्रवण विधि पर आधारित है साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। वर्ण शब्द पहेली के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डायरेक्ट सुधार में मदद करता है साथियों, डायरेक्ट सुधार में मदद करता है का ये सही हो जाएगा साथियों। ए में बोला गया, बी में बोला गया शब्द संपदा साथियों। पाठ को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता डायरेक्ट है साथियों, तो आपका विकलांगता होता है साथियों। पाठन विकल्प क्या साथियों, पाठन विकल्प है साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों, ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया गया यानी शिक्षण दिया जाना चाहिए साथियों, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में बोला गया साथियों, तो उपचारात्मक शिक्षण जो है आपका सेकेंड सही हो जाएगा साथियों। सेकेंड में बोला गया है विद्यार्थी पढ़ी गई अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहा है साथियों, इसी के बारे में साथियों। चलिए साथियों आपका सेट समाप्त हो गया। अगर एग्जाम्पुर 91 में नए साथियों के चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।